हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। आचार संहिता लगने के बाद से ही उधमसिंह नगर जिले की पुलिस एक्टिव हो गई है। वहीं चुनावों के नजदीक आते ही जिले की पुलिस नशे के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रही है। अभियान के दौरान कई चौंकाने वाले मामले भी सामने आए हैं, जिसमें नशीले पदार्थों की खेप के साथ ही बड़ी मात्रा में हथियारों के जखीरे मिलना एक है। पिछले 15 दिनों से अलग अलग थाना क्षेत्रों में हथियारों का मिलना कई और इशारा करता है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि या तो यह कोई बड़ी वारदात की तैयारी है या फिर चुनाव को प्रभावित करने की मंशा। इन हथियारों की सप्लाई के पीछे का कारण अभी तक पुलिस भी नहीं जान पाई, लेकिन आंकड़ों की माने तो वह यही गवाही दे रहे हैं कि हथियारों के दम पर चुनावी माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है। बता दें कि केलाखेड़ा क्षेत्र में 10 तमंचे और 22 कारतूस के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलभट्टा और काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में भी हथियारों के साथ गिरफ्तारी हुई है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं जिले के कप्तान भी हथियारों की सप्लाई के खिलाफ मास्टर प्लान बना रहे हैं। हथियार जो है, एक तो लोगों के पास ऑलरेडी लाइसेंस है हथियार, तो उसमें नॉर्मली जो हमारी प्रक्रिया रहती है कि आप जमा करा देते हैं, उसको माना जाता है कि उसको फोर्स यूज के रूप में ना किया जाए। और कई लोगों को जेन्युइन ज़रूरत है, वो पॉलिटिकल नहीं है और उनको अपने हथियार रखने के लिए कमेटी बनी है, तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। सेकेंड आपकी बात आ गई जो अवैध हथियार है, तो अवैध हथियार के लिए हमारे जो दोनों लेवल पे SOG है, उन्होंने दूर में भी कार्रवाई की है। जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आती है तो ये कहीं ना कहीं प्रयोग होंगे, तो पब्लिक से भी सूचना आएगी, कोई किसी को डराएगा, वो 506 के मुकदमे के रूप में हो सकता है। तो जब होगा इसका, जब इफेक्ट होगा तब भी मुकदमा किया जाएगा और प्रिवेंटिव में इसको पकड़ा भी जाएगा। तो अभी SOG को हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसमें मैंने उनको बोला है कि वो जो बेस्ट लोग हैं जो इसमें अपने अपने एरिया में जिनकी अच्छी मजबूत पकड़ है, जिनको इन्फॉर्मेशन आती है, तो उनको हम टेम्परेरली जो है उनके साथ अटैच करेंगे, ताकि इस कार्रवाई जो आगे आपको अच्छी देखने को मिले। हर खबर पर है हमारी पहली नज़र, उत्तराखंड की बुलंद आवाज़। आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टल उत्तराखंड।